अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। बुद्ध भिक्षुओं का काम होता है घर घर जाके प्रचार करना, लेकिन हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जो अधिवक्ता हैं आईआर सिंह जी, और जो घर घर जाके भिक्षुओं का काम करते हैं, गौतम बुद्ध की बातों को जन जन तक पहुँचाते हैं आईआर सिंह साहब। सिंह साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है पहले तो जी। सिंह साहब, एक बात बताइए, आप बुद्ध की बातों घर घर जाके बताते हैं, लेकिन बुद्ध ने कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं कहा, उसका क्या विशेष कारण था वो बताएं। उसका मेन कारण ये है कि बुद्ध शब्द का जो विलोम शब्द है वो ईश्वर है जी, क्योंकि ईश्वर के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो अंधकार हैं, सुपरस्टिशंस हैं, और लोगों को ईश्वर एक ऐसे कुत्ते की पूंछ है जो ना तो गुप्त इंद्री ढकता है ना शरीर पर बैठने वाली मक्खियों को उड़ाता है। ईश्वर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो गरीबों के शोषण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बुद्ध ने अपने आप को ईश्वर इसलिए नहीं कहा, बुद्ध ने कहा मैं मानव हूँ, मेरा धर्म मानवों के लिए है, मेरा धर्म मानव कल्याण के लिए है, और ईश्वर वगैरह एक अंधविश्वास के प्रतीक हैं जो हमारे समाज पर, मानवता पर एक नेगेटिव फर्क डालते हैं, जो गुमराह करते हैं, जो लोगों को उनको विज्ञानवाद से दूर ले जाते हैं। बुद्ध का जो मार्ग है वो विज्ञानवादी है, बुद्ध का धर्म कभी विज्ञान से नहीं डरता, लेकिन जब भी आप ईश्वर के ऊपर कोई उसका एक्सपेरिमेंट करोगे, तर्क या बुद्धि की बात करोगे, तो ईश्वर शब्द कोई नहीं ठहरेगा, यह अज्ञानता का प्रतीक है जी। सिंह साहब, एक बात बहुत अहम है कि आप महंतों को या जो मठों के जो मंदिरों के पुजारी होते हैं उनको आप बोलते हैं कि वो मंदिर में बैठते हैं, जन प्रचार गलत करते हैं, लेकिन जो बुद्ध भिक्षुओं काम होता है, जो समाज की बातों को जन जन तक पहुंचाना होता है, वो काम कहीं आपको नहीं लगता कि वो भंते जो होते हैं जिन्हें बुद्ध भिक्षु कहा जाता है वो भी नहीं करते हैं, वो भी अपने बुद्ध विहार के अंदर ही बैठे रहते हैं, जो जिनको जन जन जाके बुद्ध प्रचार करना चाहिए, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए भिक्षु, मैं इसके बारे में एक फिलोसफिकल आपको क्लियर कर दूं कि भिक्षु और भिखारी में क्या अंतर है। जो राजा थे अपने साम्राज्य को छोड़कर वो भिक्षु बने, जो सबको दान करते थे सबको, वो उन्होंने अपने राजपाट को छोड़कर वो भिक्षु बने, लेकिन यहाँ पर कोई भी भिक्षु अपना पैदासी भिक्षु नहीं है। यहाँ पर भिक्षु कबीरपंथी हैं, दूसरे पंथ से आए हुए हैं, बुजुर्ग लोग हैं, और 18 साल के अध्ययन करने के बाद में कोई व्यक्ति प्रखंड बौद्ध धर्म का विद्वान बनता है। बुद्ध ने बंदिश लगा रखी थी किसी रोगी को, किसी हैंडीकैप्ट को, किसी फरार मुलजिम को, या किसी पीओ को जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया गया, ऐसे आदमी को संघ में नहीं लिया जाएगा। संघ में उन लोगों को लिया जाएगा जो बहुत ज़्यादा बहादुर हों, और जिन लोगों को, जो लोग बड़े चरित्रवान और शीलवान हों। इसलिए बुद्ध के धर्म में किसी भी हैंडीकैप्ट आदमी को धर्म में लेने का प्रावधान नहीं था। फौज के, मिलिट्री के जवान जैसा व्यक्ति बुद्ध के धर्म में आवश्यकता थी। इसलिए जो प्रचार करने का काम है, 18 साल के अध्ययन के बाद व्यक्ति इस लायक होता है कि बौद्ध धर्म में कुछ, वो बौद्ध धर्म को फैला सके, लेकिन हमारे यहाँ पर वो ट्रेनिंग बौद्ध भिक्षुओं को नहीं दी जाती। वो हमारे एक तरह से ज़्यादातर लोग हमारे प्रतीक हैं, क्योंकि वो बुद्ध के चीवरों को, उनके कपड़ों को पहनते हैं, हम उन्हें सम्मान की दृष्टि देखते हैं। जब तक हम अपने बच्चों को बौद्ध भिक्षु नहीं बनाएंगे, उन्हें बौद्ध धर्म में के लिए दान नहीं करेंगे कि वो पूरे जीवन भर प्रचार करें, जब तक ये धर्म का सही प्रचार नहीं हो सकता। और ये काम हमारे शिक्षित और ट्रेंड लोगों को करना चाहिए धर्म के प्रचार करने के लिए, किसी दूसरे लोगों पर या भिक्षुओं के ऊपर। भिक्षु नंबर एक बात तो उनको इतना ज्ञान नहीं है, बहुत प्रखंड विद्वान होना चाहिए। जो आम लोगों के टच में हैं वो ज़्यादातर कबीरपंथियों से, दूसरे धर्मों से कन्वर्टेड लोग हैं, आए हुए लोग हैं, वो बौद्ध धर्म के ट्रेंड नहीं है, जैसे कि NSG कमांडो होता है। इसलिए उनको, आपको अगर बहुत ऊँचे पैमाने पर धर्म का प्रचार करना है तो आपको कमान स्वयं संभालनी पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा, अपने बच्चों को बौद्ध संघ के लिए दान देना पड़ेगा ताकि वो भिक्षु बन सके। जैसे कि अनाथ काल ने अकाल नाम के अपने लड़के को बौद्ध धर्म के लिए स्वयं दान कर दिया था। इसलिए भिक्षुओं का इसलिए अभाव है क्योंकि हम लोगों ने अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, या भिक्षु ही बनने के लिए अपनी बहनों को, बेटियों को हमने दान नहीं कराया, इसलिए प्रचार उनकी तरफ से नहीं हो पा रहा। जो नौजवान श्रेष्ठ बहादुर लोग हैं वो ही धर्म के प्रचार कमान उन्हें अभी तक स्वयं संभालनी चाहिए, और भविष्य में जब ये नए बच्चे हो जाएंगे तो वो अपने आप धर्म का प्रचार करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।